Good morning students. Have a nice day, nice morning. कैसे हो आप सब? Okay? तो आप सब ठीक होंगे? Okay? और घर पे सुरक्षित होंगे? ठीक है? तो और मेरा जो मैं पढ़ाती हूँ यहाँ पे वो मेरा वीडियो भी आप देखते होंगे और लर्न करते होंगे, घर पे प्रैक्टिस करते होंगे. I hope. Okay? मैं इसी आशा रखती हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखते होंगे. ठीक है? अब आगे नेक्स्ट प्रैक्टिस करनी है. लास्ट में मैंने ये सब करवा दिया था, लास्ट वीडियो में ये वाला पेज नंबर 32 एंड 33. अब नेक्स्ट पेज 34 एंड 35 नंबर का यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है लेटर ई ए जी एच. ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फॉक्स, जी फॉर गिफ्ट, एच फॉर हैंड. वो प्रैक्टिस यहाँ पे हमें करनी है. ओके? तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे. ठीक है? जो बुक में दिया है ऐसा सैंपल से मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, तो उसकी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है? तो लिखते हैं ई, ई से स्टार्ट करते हैं ई ए G H. ओके? देखो E, E for elephant, E for elephant, E for elephant, E for elephant, E for elephant. ऐसे बोलना है और लिखना है. फिर यहाँ पे आता है F for fox, F for fox, F for fox. ऐसे देखो यहाँ E है तो दो लाइन में ही लेना है, F को ऊपर की लाइन को टच करना है, रेड लाइन को ऐसे बनाना है रेड लाइन से टच करके. ठीक है? F for fox. And next G. तो जी को यहाँ पे कॉप और यहाँ पे सेंडिंग लाइन से नीचे की लाइन को टच करना है. जी फॉर गिफ्ट, जी फॉर गिफ्ट. हो गया? ऐसे हमें नीचे की यानी कि रेड लाइन को यहाँ पे टच करना है. अब आया एच, एच फॉर हैंड. तो ऊपर की लाइन को टच करेंगे सेंडिंग लाइन और फिर ऐसे लिखेंगे H for hand, H for hand. ओके? हो गया? इसी तरह हमें ये सीखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है. तो यहाँ पे कौन से लेटर हमें सीखे, E, F, G, H. ओके? ई ए जी ए. उसके साथ जो हमें यहाँ पे मान लो मैच करना दिया है तो जी एच ई ए. तो यहाँ पे मैचिंग करना बोलेंगे तो कैसे मैचिंग करेंगे आप, उसको मैच करना है तो ई को ई के साथ मैच करना है. तो ई को ई के साथ मैच करेंगे, ये रहा ई, ई. फिर आया एफ, तो ये रहा एफ. जी यहाँ पे देख लो तो जी ये रहा और एच, तो एच को एच के साथ मैच करेंगे. ठीक है? उसी तरह हमारी ये प्रैक्टिस ऐसे ही फिनिश होती है. ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फॉक्स, G for gift and last H for hand. Okay? उसके अलावा भी बहुत सारे words होते हैं. E से eye, ear. Okay? Elbow, elephant. Okay? तो F से fork, finger, file number. वो सब F से start होते हैं. G. तो G for God, G for girl.
number, G for give, G for क्या होता है? बहुत सारे words मैंने कल भी सिखाए थे, जैसे कि मैंने last video में सिखाए थे, glow यानी कि हमारे चेहरे का glow, G for glow. And next H, तो H for hand, H for hand, H for head, H for head, H for horse, H for hot, hot यानी कि गरम, H for horse. बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो आगे भी मैं आपको ऐसे सिखाऊंगी. पहले जो लेटर्स वो प्रैक्टिस करिए, लेटर्स वो पहले आप सीखो, पहले लिखना सीखो और उसके साथ साथ बोलना सीखो. ठीक है, यहाँ तक हमारी ये प्रैक्टिस खत्म होती है. मैंने एक पेज का करवाया है, दूसरे पेज का अपने आप घर पे बैठे ये दोनों पेज को आपको फिनिश करना है. ठीक है, 34 एंड 35 नंबर का पेज आपको यहाँ पे फिनिश करना है. आगे का लेटर मैं आगे के वीडियो में सिखाऊंगी. ठीक है, तब तक आप घर पे रहो, प्रैक्टिस करो और बोलते रहो और लिखते रहो. ठीक है, ओके, बाय.